और दोस्तों देखिए हमारा बाल्टी भर चुका है, हमारा काउ मिल्किंग अभी बाकी है। और ये देखिए दोस्तों इतना अभी दूध निकाले हुए हैं। तो इसका दूध देखिए कितना है, अभी बहुत कम हो गया है दोस्तों इसका दूध। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सब लोगों का गोपी अर्चना ब्लॉग में। दोस्तों हाय करिए, हाय दोस्तों, हाय करो छोटी, बोला दोस्तों। आज रो रही है पता नहीं क्यों। और दोस्तों सुबह का 7:30 हो गया है आज, और चलते हैं दोस्तों काव मिल्किंग करने। और पहले आज वो पड़ोस वाले गाय का मिल्किंग करेंगे, क्योंकि वो लोग कहीं चले गए हैं, तो आज उसका मिल्किंग कर लेते हैं, उसके बाद अपने गाय का मिल्किंग करेंगे। चलिए आ जाइए, नहवाइए इसको। गर्मी बहुत तेज़ है दोस्तों, इतना तेज़ धूप है और इतना गर्मी है कि अभी रो रही है, तो इसको नहवाएंगी ये, जब तक हम उसका दूध निकाल के आते उस गाय का, और उसके बाद से अपने गाय का दूध निकालेंगे। तो उसको नहवाइए जब तक हम आ रहे हैं। दोस्तों देखिए हम आ गए हैं यहाँ पर, और इस गाय का मिल्किंग करना है, ये वाली गाय को। तो ये लोग कहीं गए हुए हैं, तो आज हमको ही दूध निकालना पड़ेगा इसका। अभी इसका भी मिल्किंग करते हैं दोस्तों पहले, और उसके बाद अपने गाय का मिल्किंग करेंगे। और इधर है बाल्टी, लोटा, तेल, रस्सी। और दोस्तों देखिए गाय पहना गई है, और इसका मिल्किंग करते हैं। और इसका बाट देखिए कितना बड़ा बड़ा है, हमारी गाय का छोटा छोटा है। अरे बाप रे बाप, बहुत लात चला रही है दोस्तों ये। हाँ और दोस्तों देखिए बहुत परेशान कर रही है ये गाय। और इसका मिल्किंग हम करते थे पहले, लेकिन अब नहीं करने दे रही है, बाल्टी को लात मार रही है बार बार। और दोस्तों देखिए इसका मिल्किंग कर दिए हैं, और चलते हैं अपने गाय का मिल्किंग करने। और इसका दूध देखिए कितना है, अभी बहुत कम हो गया है दोस्तों इसका दूध, तो ले जाओ रख दो दूध अपना, और चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों देखिए उस गाय का मिल्किंग करके आ गए हैं, और अपना भी गाय का मिल्किंग करने के लिए बैठ गए हैं, और गाय हमारी पहना गई है, और इधर फेंक देते हैं दोस्तों, और तब इसका मिल्किंग चालू करते हैं। वो गाय बहुत छटपटा रही थी, 3-4 बेर बाल्टी गिरा दी, और ये भी देखते हैं कि गिराती है कि नहीं। गाय की इसको भी 1 साल से ज़्यादा हो गया है, और उसको भी 1 साल से ज़्यादा हो गया है। दोनों गाय एक साथ में बच्चा दी थी, 1 महीना अंतर होके, वो 1 महीना पहले बच्चा दी थी और ये 1 महीना बाद। तो उसका दूध आप लोग देखे हैं, कम से कम 1 लीटर था मैक्सिमम, और 1 साल बाद। और इसका अभी कम से कम 4.5 लीटर है, 5 लीटर 1 साल के बाद। तो यही अंतर है दोस्तों खिलाने और पिलाने में। तो दोस्तों इसमें कंपटीशन की बात नहीं है, इसमें खिलाने पिलाने की बात है और नस्ल की बात है। वो गाय भी नस्लदार है, साहीवाल है, वो भी इससे अधिक दूध देने वाली गाय है, लेकिन नहीं खिलाइए पिलाइएगा तो क्या होगा। अभी आदमी है, अगर नहीं खाए पिएगा तो क्या होगा, दुबला पतला हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, कई गो बीमारी पकड़ लेगा। तो उसी के जैसे है दोस्तों, अगर दूध लेना है तो गाय को, पशु को, भैंस को अच्छे से, समय से और तरीके से खिलाएं, बगैर तरीके से नहीं, तरीके से खिलाइएगा तो दूध बना रहेगा। अब दोनों गाय 1 साल हो गया है, लेकिन उसके दूध में और इसके दूध में अंतर है। और देखिए ये भी उसी के जैसे लात चलाना शुरू कर दी है, अब लग रहा है ये भी दूध नहीं देगी, 4.5 लीटर दूध लेके भागेगी। तो दोस्तों पूरा फुल मिल्किंग कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होगा। और इधर देखिए भाभी जी और अर्चना की मम्मी बैठ करके बतिया रही हैं। अर्चना क्या कर रही हो? और दोस्तों देखिए हमारा अभी इतना मिल्किंग हुआ है, थोड़ा पास में लाइए।
और देखिए दोस्तों, इसका अभी इतना मिल्किंग किए हैं, मिल्किंग करना बाकी है। और उस गाय का भी दूध आप लोग देखे हैं कि कितना दी थी। तो दोनों गाय एक साथ में बच्चा दी है एक महीने के अंतर में। तो देख लीजिए, यही है खिलाने पिलाने का राज, हमारी गाय का राज यही है दोस्तों कि इसी वजह से देती है दूध इतना ज़्यादा। क्यों? खिलाते पिलाते हैं तरीके से और यही सब चीज़ें खिलाते हैं। और वो पड़ोस की गाय है, वो लोग भी हमारा ही नकल करते हैं, हमारे ही जैसे खिलाते हैं, लेकिन कुछ तो अलग है हमारे खिलाने पिलाने में। तो इसीलिए दोस्तों, और वो नस्लदार वो भी है, ऐसा बात नहीं है, उसका भी नस्ल ठीक है, साहीवाल है, तो वो भी दूध में टॉपर है, दूध अच्छा देती है, इस गाय को टक्कर देती है। लेकिन खासियत यही है कि जैसे आदमी भोजन करेगा वैसा शरीर रहता है, तो उसी हिसाब से है। गाय पशु को जैसे खिलाइएगा उतना दूध देगा, नहीं खिलाइएगा नहीं दूध देगा। पानी मिलाने से दूध नहीं बढ़ता है, खिलाने पिलाने से दूध बढ़ता है दोस्तों। और खिलाने पिलाने से दूध नहीं बढ़ाइएगा तो पानी मिला के दूध नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि भगवान देख रहा है। आप तो बढ़ा लेंगे लेकिन भगवान देख रहा है, वो कहीं ना कहीं घटा देंगे। और बहुत से लोग बोलते हैं पानी का दूध पानी में चला जाता है, तो वही बात हो जाएगा। तो यही सब राज है दोस्तों हमारी गाय का, दूध बढ़ाने का तरीका अलग है। और वही अलग क्या है, सब सेम है, लेकिन समय अलग है, कुछ तरीके थोड़ा अलग हैं। ये भी पैर उठा रही है, अब ये भी ज़्यादा दिन दूध नहीं देगी, क्योंकि एक साल से ज़्यादा इसको भी हो गया है। लेकिन अभी उसका भी एक ही साथ का है, तो उसका दूध आप लोग देखे हैं और इसका भी देख लीजिए। अभी पूरा फुल मिल्किंग कर लेते हैं तो दिखाते हैं दोस्तों। और दोस्तों देखिए, हमारा बाल्टी भर चुका है, हमारा काउ मिल्किंग अभी बाकी है, पीछे जाओ। और ये देखिए दोस्तों, इतना अभी दूध निकाले हुए हैं, थोड़ा सा डब्बे में भी निकालना पड़ेगा। ये रुको, बहुत छनन मनन कर रही है, ये भी अब ज़्यादा दिन दूध नहीं देगी दोस्तों, बहुत छटपटा रही है। तो देखिए, एक साथ दोनों गाय बच्चा दी है, और क्या अंतर है कि अभी बाल्टी भर दी फिर भी डब्बा भरने चालू कर दी है। और देखिए, उस गाय को मिल्किंग किए हैं हम पहले, सबसे पहले तो एक से डेढ़ लीटर नहीं था, एक लीटर समझ लीजिए, डेढ़ ही लीटर। तो अंतर देख लीजिए, और दोनों उसका भी नस्ल इससे तगड़ा है दूध देने में। साहीवाल आप लोग जानते होंगे कि अधिक दूध देती है। तो दोस्तों, नस्ल भी मायने कम रखता है, अगर नहीं खिलाइएगा, नस्लदार गाय हो, नस्ल वाली हो, और नहीं खिलाते हैं तो भी नहीं दूध देगी। अगर कम नस्ल की, छोटी नस्ल की है और अच्छा परवरिश, अच्छा खान पान है, तो वो थोड़ा बढ़ा के दूध दे सकती है। और ज़्यादा बढ़िया नस्ल हो और नहीं खिलाइए तो घटा देगी। तो वही बात है, अब इसको खिलाते पिलाते हैं अलग तरीके से, कुछ सीक्रेट चीज़ें हैं जो सभी को नहीं बताते हैं, वीडियो में भी बहुत कम बताए हैं दोस्तों। तो जो भाई जानना चाहते हैं किसी वीडियो में ज़रूर बताएंगे। और अब सोच रहे हैं दूसरी गाय लाने के लिए दोस्तों, तो कमेंट करिएगा कि दूसरी गाय लाएं, कौन से नस्ल के गाय लाएं। और सोच रहे हैं दोस्तों, पैसा तो बहुत कम है, तो इससे छोटी गाय लाएंगे जो कम से कम 4-5 किलो दूध दे, मतलब दोनों वक्त का, 2-2.5 लीटर एक वक्त में, क्योंकि कम पैसे में मिल जाएगी। इधर गाय बहुत महंगा है। और एक भैया पूछे हैं कि अतवरिया को कितना में ख़रीद के लाए हैं, तो दोस्तों इसको लाए थे, इसके पास 1.5 लीटर एक वक्त में दूध था, उस समय इसको 35,000 में लाए थे, 3 लीटर दूध पे लाए थे दोनों वक्त में। और देखिए इसके पास इस समय, अब इस समय तो ख़त्म हो गया, शुरू में जब बच्चा देती है उस समय कम से कम 14 लीटर दूध होता है दोनों वक्त का। तो यही सब राज है दूध बढ़ाने का, और नहीं बढ़ा पाएंगे तो फिर डेयरी फार्म में नुकसान ही होगा। बहुत भाई लोग बोलते हैं कि नुकसान लग गया, तो लग जाता है भाई, अगर ऐसे लापरवाही करेंगे तो लग जाएगा। और खान पान पर ध्यान देंगे तो नहीं लगता है। कौन कहता है कि डेयरी फार्म में घाटा लगता है, हम कहते हैं चिल्ला करके कि नुकसान नहीं, डबल मुनाफा है। अगर करेंगे करिएगा बढ़िया से तब, नहीं करिएगा तो खैर कोई नुकसान ही नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन डेयरी फार्म में डबल नाफा है, हम बोलते हैं कि डबल मुनाफा है, डबल एकदम। हर गाय से आप 15 से 20 लीटर दूध ले सकते हैं, तरीका है, तो डबल नाफा है दोस्तों। और हमारे तरफ 50 रुपया लीटर दूध है,
बहुत से लोग भैंस का दूध इधर 60 रुपया लीटर है। तो देखिए दोस्तों हमारा मिल्किंग हो गया है और चलेंगे दूध लेके बाजार। तो ये देखिए उस गाय का दूध आप लोग देखे हैं और इसका देख लीजिए, 1 महीना अंतर है दोनों का। ये पकड़ो बाबू, ढंग से पकड़ो, चलो आ जाओ। और दोस्तों देखिए हम दूध दे करके आ गए और दोस्तों बाजार गए थे तो 2-3 घंटा का काम मिला था फल मंडी में फल उतारने के लिए, तो उसको उतारे और उतारने के बाद 3-4 घंटा में उतार करके और चले आए दोस्तों। और इस समय दोस्तों लगभग 4 बज रहा है और अभी देखिए तालाब घर में कितना ज़्यादा धूप है, बहुत तेज़ धूप है दोस्तों और बहुत तेज़ कड़क की गर्मी पड़ रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। हम लोगों की तरफ अर्चना की मम्मी नहा के फिट हो गई हैं और हम चलते हैं पहले अतवरिया को नहवाएंगे, उसके बाद हम नहाएंगे। अब बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत काफ़ी, तो आ जाइए इधर छोटी को लेके आइए। और दोस्तों देखिए इसको नहवाने चलते हैं, यहाँ पर है अतवरिया और गर्मी से ये भी परेशान है। तो अभी शाम हो गया है तो इस समय नहवाएंगे, दोपहर में नहीं नहवाते हैं, दोपहर में तो और गर्मी रहता है। तो अभी इसको धोते हैं उसके बाद से हम धोवाएंगे। तो दोस्तों अभी इसको है बाबू लाओ बाल्टी लाओ ना। और दोस्तों देखिए पानी लेके आ गए हैं, अब इसको नहवाने जा रहे हैं तो इधर उधर भाग रही है या हरदम भागती है। और गर्मी का मौसम है, थोड़ा सा पास में आई। और दोस्तों इतना गर्मी ज़्यादा है और इस समय कम से कम एक बार तो ज़रूर धोना चाहिए, 2 बार बहुत लोग धोते हैं तो और अच्छा है, लेकिन एक बार तो ज़रूर धोइए और शाम को या सुबह में। दोपहर में गर्मी जब रहता है ज़्यादा तब नहीं धोइए। तो दोस्तों इसको अच्छी तरह से नहवा लेते हैं उसके बाद से हम भी नहाएंगे। और दोस्तों देखिए इसको 2-3 बाल्टी से खूब बढ़िया से धोए हैं, एकदम ठंडा हो गया मौसम इसका और हम लोग के लिए तभी मौसम गर्म है, इसको नहाए हैं तो इसको अच्छा लगता होगा। अब इसको भूसा चोकर खिलाएंगे अभी इस समय दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। बाय जय हिंद दोस्तों, बाय कर दो, बाय करो।